फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो फिलहाल देख सकते हैं आप मौसम का हाल, सबसे पहले मजे लेना तो मौसम के लीजिए। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं सर्दी जो है गजब की पड़ रही है, सुबह सुबह का मौसम है। तो आप देख सकते हैं नवंबर का महीना, क्या सर्दी तो पड़नी है, उत्तराखंड में तो खैर सर्दी पड़नी है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो और भी अच्छी सी जगह होने वाला है। तो अभी जो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम, गाड़ी चलाते हैं और हाथ धो रहे हैं, पर फिर भी चलानी पड़ेगी, हम निकले घूमने के लिए। तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं और अभी आपको जो लेके जा रहे हो एक अलग नई जगह लेके जा रहे हैं। अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और या तो फिर देख के आपको पता चल जाएगा कि किधर का वीडियो है। तो अभी हम निकल जाते हैं फटाफट सुबह सुबह, तो ठंड का तो खैर अलग ही मजा है। तो आप देख सकते हैं सामने की जो कितनी वो कम दिख रही है। तो अभी फिलहाल फिर भी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं एक नई जगह, बहुत ही अलग है। तो अभी तो फिलहाल निकल पड़े, तो अब चलते हैं अब आगे और देखते हैं आगे का क्या सीन होने वाला। और आगे अगर ऐसे ही मौसम रहा तो बहुत ही लेट हो जाएगा, क्यों ऐसी मौसम में गाड़ी तेज़ चलाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है हाईवे पर आ गया, तो मौसम अभी भी थोड़ा साफ़ नहीं हुआ, तो बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही रहा तो बहुत लेट हो जाएगा, क्यों हमें वापस भी आना है एक ही दिन में। हाय फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मौसम जो इधर जो है तो पूरा साफ हो गया, तो इसलिए अब चलते हैं अब आगे। तो वहाँ पर बगैर अपना टाइम ख़राब कर मैं जो है निकल जाता हूँ फटाफट आगे की ओर, कि ताकि मौसम जो है अभी थोड़ा साफ़ हो गया तो थोड़ी गाड़ी जल्दी चलाया गया तो थोड़ी जल्दी पहुँच जाए, जल्दी देख के वापस भी आना हमें। तो आप देख सकते हाय फ्रेंड्स, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हम कहाँ पर जा रहे हैं, अभी हम सुरकुंडा देवी जा रहे हैं ऊपर। तो आप देख सकते हैं कैसा व्यू नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से, क्या मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है ऊपर। और अभी हम और भी ऊपर चलने वाले हैं, तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, इधर से भी आप देख सकते हैं। और ये हमारी राइडिंग बाइक आप देख सकते हैं, इसी से हम जो है अभी नया सफ़र शुरू करा है। तो अभी आप देख सकते हैं क्या मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, और अभी ऊपर चल रहे हैं अपन, और वहाँ पर भी आपको दिखाएगा और क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम ऊपर। तो फ्रेंड, जहाँ से आप देख सकते हैं व्यू क्या खुश मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, एकदम गजब का। और इधर से देखिए क्या घटा है, नीचे जाए तो कोई नज़र ना आए, मस्त व्यू है। तो चलते हैं अब हम आगे और दिखाते हैं आपको आगे से। तो फ्रेंड्स, वहां से जो है फटाफट निकल चुके हैं और टाइम भी जो देख सकते हैं 11 बज गए सुबह के, निकले हम कब थे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना जो है चल रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या सीन होने वाला है, क्यों काफी ज्यादा अभी दूर जाना है फिर वापस भी आना। और मैंने सुना है काफी अच्छा व्यू है वहां से, बहुत ही मस्त नजारा देखने को मिलता है। तो फिर क्या था, बाइक उठाई और निकल पड़ा राइड पर। और अगर आप भी गए हैं और जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना है तो। बाकी मस्त जगह है, तभी हम चलते हैं फटाफट बिके किसी का टाइम खराब करें कि, और मौसम का आनंद लेते हुए, क्यों अकेले जा रहे हो इस बार तो राइड का तो खैर मजा लेना ही है। और अगर भूख लगेगी तो आपको बता देंगे क्या खाया, और वैसे काफी अच्छी जगह है यहाँ पर। और आप जो पहाड़ की वादियों के, जिनको पहाड़ों में जाने का शौक है, वो आ सकते हैं इस महीने में। पर हाँ, ये है कि सर्दी के कपड़े जरूर लेकर आए, तो सर्दियों के कपड़े तो खैर लाने ही हैं, क्योंकि खैर नवंबर में ठंड नहीं पड़ेगी और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। जैसे कि आपको पता है मैं तो खैर राजस्थान से हूँ, पर फिर भी जो यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। और अगर आप भी अगर यहाँ पर आए तो बिल्कुल सर्दियों के कपड़े जरूर लेके आना है, क्योंकि बगैर सर्दियों के कपड़े से यहाँ पर काम चलना नहीं है। और आप जब भी आएंगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा ही ठंड होगी, कि दिसंबर जनवरी में अगर कभी प्लान बनाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बर्फ भी गिरती है। तो बर्फ के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, जनवरी तक जो है आपको यहाँ पर बर्फ दिखेगी। पर अभी जो मैं नवंबर में आया हूँ तो खैर, और दिसंबर में जनवरी में तो खैर आपको बर्फ दिखाई देगा, क्यों अभी हम जो जा रहे हैं 90 डेज का टारगेट है हमारे पास, तो हर एक अलग अलग जगह जाके आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले जो आप ये वाला व्यू देखिए, फिर नेक्स्ट जगह जाएंगे उसके बाद भी जाएंगे, तो देख सकते हैं और रोकते हैं कहीं अच्छी सी जगह, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो कैसा मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तो फिलहाल अभी हम आधे रास्ते पहुंचे हैं, तो अभी और भी ऊपर चलते हैं और आपको अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये हमारी बाइक मस्त सी, और व्यू देखिए यहाँ पर। अगर यार कोई मैगी मिल जाए या कुछ खाने वाला गर्मा गर्म तो मज़ा आ जाए, पर फिलहाल नहीं है कोई ना, आगे चल के जरूर रुकेगा और वहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्या है खाने के लिए। तो चलते हैं यहाँ से, मस्त अच्छा नज़ारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और यहाँ पर अगर बर्फ़ दिखेगी तो आप देख सकते हैं
यहाँ से जो अब अपन को चलना पैदल, ठीक है। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं पैदल का, कितना खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरनाक है। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मिल जाती है हमें टिकट, तो यहाँ से अब हम लेंगे टिकट, क्योंकि पैदल हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। अगर आप पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं, एक घंटा लगेगा मैक्सिमम, मिनिमम आपके ऊपर है कैसे चलते हो आप वैसे, ठीक है। तो टिकट लेते हैं, चलते हैं अब आगे फटाफट और बैठते और बाहर का नज़ारा जो है देखते हैं कि कैसा मस्त नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलते हैं फटाफट ऊपर कि हम किसके अंदर जा रहे हैं। तो चले फटाफट और देखते हैं कितना दूर है, किसी जगह है जिसके लिए हम आपको इतना इंतजार कराया। तो ये आ गए अब हमारे, हम बैठते हैं अब इसके अंदर फटाफट। इसका जो टिकट लगा हमारे 205 रुपये लगा, जैसे कि आपने अगर वहाँ पर विंडो पर देखा होगा लिखा हुआ भी है। तो ये आपका अप एंड डाउन वाला है, आप जाके वापस भी आ सकते हैं। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, और पहले ही लेट हो चुका हूँ और मुझे वापस भी आना है और रात हो जाएगी। और मौसम का हाल जो है वो बहुत ठंडा है यहाँ पर, तो इसलिए हो सकता है। और अंकल को तो फिलहाल ठंडा लग रहा नहीं है, पर फिलहाल देखो बाकी सबको लग रहा है, ठीक है। तो अब हम बैठ चुके हैं इसके अंदर और चलते हैं, अब अपनी रेडी वेडी सब हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर ऊपर और देखते हैं ऊपर से क्या मस्त नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये जो हम चल चुके हैं और देख सकते हैं ऊपर से ठेठ ऊपर टॉप पे से देखिए क्या मस्त नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसी जगह, तो कैसा लगा मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो अभी हम चलते हैं बस आगे और आपको दिखाते हैं कैसा व्यू देखने को मिलेगा। तो ऊपर से जो टॉप पे से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही मस्त और गजब का देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के बाद जो है अभी हम देखते हैं कि हम किस तरफ और कैसे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम जो है कैसे जा रहे हैं उधर। तो ऊपर से जो है काफ़ी ही मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं अब हम ऊपर, और ऊपर से भी जो आपको टॉप पे से दिखाता है कि अभी हम वापस आना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर से जो क्या मस्त व्यू आ रहा है ना यार, ये तो सिर्फ आप ऐसे देख रहे हो, अगर आप खुद देखोगे यहाँ पर आके तो बहुत ही मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है, नेचुरल जो आप देखोगे अपनी आँखों से तो क्या मस्त मज़ा आने वाला आप सबको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देहरादून उत्तराखंड आए तो एक बार इधर ज़रूर आइएगा, बस मेरा ओपिनियन ये कहता कि बाकी अच्छी जगह। और ये देख सकते हैं जय माता दी, तो ये जो है देवी माता का मंदिर है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे से, और व्यू देखिए क्या मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आज जो है स्कूल के बच्चे आए हुए हैं तो उसको ट्रिप के लिए, तो देख सकते हैं। तो एक बार स्कूल के बच्चे ट्रिप पर आ सकते हैं, तो आप भी एक बार इधर ट्रिप पर आ सकते हैं और देखिए ऊपर टॉप पे से देखिए क्या मस्त व्यू दिखा रहा ना। तो क्या मस्त बोले तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम मस्त जगह देखने को मिल रही है। और देखिए इधर आगे से देखिए, मतलब क्या गजब का नज़ारा देखने को, और मंदिर देख सकते हैं आप, पूरा शानदार नज़ारा है। और आप आए तो बहुत आ सकते हैं यहाँ पर, बस और गाड़ी से भी आ सकते हैं, बस नहीं आती सॉरी, गाड़ी आती है तो आपको गाड़ी से आना पड़ेगा। पर यह है कि बुजुर्ग लोग यहाँ पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको ये जगह कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना मिले। तो दिखा दो मैं आपको, पार्ट जो है काफ़ी लंबा हो गया। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह पर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो वापस हम नीचे उतर रहे हैं कि यहाँ पर यही देखना है। तो अभी मिलते हैं।